सवाल ये है दोस्तों कि ये केपो क्या काम करता है गिटार में। कैसे यूज करते हैं इसको? अच्छा, यूज करने के कोई फायदे है या नुकसान है? सीखने का लेंथ बढ़ता है? सब सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों, आखिर तक आपको ये वीडियो जरूर देखना है। दोस्तों, मैं तुषार गिटार गाड़ी अपना ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर एक नया लेसन लेके। आज हम लोग देखेंगे केपो का क्या यूज है। दोस्तों, ये केपो जो है दो ही कैटेगरीज को लगता है, एक एकदम एक्सपर्ट कैटेगरीज जिनको लंबा जाम सेशन करना पड़ता है और बार कॉर्ड पकड़ के ज्यादा थकावट ना आ जाए इसकी वजह से उनको केपो लगता है। इसका मतलब केपो का यूज बार कॉर्ड को टालने के लिए है, बरोबर। ये पहली बात। और दूसरा, बिगिनर्स के काम आता है। बिगिनर्स के कैसे काम आता है? बिगिनर्स वो जिनको एक चार पांच कॉर्ड्स मसल मेमोरी को मालूम है और मेमोराइज हुआ है, मतलब स्टोरेज में उतना ही कॉर्ड्स है, चार पांच कॉर्ड्स है और जरूरत एक आध अच्छा गाना है तो इसके लिए एक आध कॉर्ड सीखने की तैयारी है और नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न भी जानते हैं, तो ये बिगिनर्स। तो समझो मैं बिगिनर हूं और बिगिनर के हिसाब से मुझे एक चार पांच कॉर्ड से मैं जानता हूं, जैसे कि जी मेजर ओपन कॉर्ड, ई माइनर, सी मेजर, ए माइनर और डी मेजर। समझ के चलो, आगे सीखना है तो मैक्सिमम मैं ए मेजर और ई मेजर सीख सकता हूं क्योंकि ये सबसे आसान पकड़ने के लिए है। तो दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया? दो कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी मैं हूं ऐसा समझ लो, मतलब आपके साथ साथ मैं हूं बिगिनर्स के हिसाब से। अब केपो मुझे क्या काम में आएगा, क्या यूज में आएगा? तो जो भी बार कॉर्ड के गाने हैं वो सब या मैक्सिमम, सब नहीं लेकिन मैक्सिमम गाने हैं, ये केपो मुझे ये पांच कॉर्ड में सेम अमाउंट में कन्वर्ट करके देगा। सेम अमाउंट में क्यों? क्योंकि टोन भी नहीं बदलना चाहिए, जो टोन बिना केपो पकड़ लगा के जो आता है वही केपो लगाने के बाद भी आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग एक गाना लेंगे कि जो केपो यूज करके हम लोग जी, ई माइनर, सी में कैसे कन्वर्ट सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये सब देखने के बाद को आप बाद में आपको इच्छा जरूर होगी कि मैं भी कोई गाना एक ट्राई करके देखूं केपो लगा के। लेकिन अगर आपके पास केपो नहीं रहेगा तो घर के घर में केपो बनाने की एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं यूज किया करता था कोई एक जमाने में। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले, आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं अपना चैनल, ये चेहरा अभी तक आपने देखा नहीं है, तो दोस्तों 140 के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड करके रखे, कुछ लेसन्स है, बाकी 125 के ऊपर गाने ही गाने अपलोड है। तो आपसे गुजारिश है, आप अगर म्यूजिक लवर है, गिटार लवर है, तो अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन का आइकॉन भी दबा के रखना सिलेक्ट ऑल के साथ में। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जरूरी है, ये बेसिक बात जरूरी है। देखो, सी डी ई एफ जी ए बी और अगले ऑक्टेव का सी, सारे ग म प ध नी और अगले ऑक्टेव का सा, ये जो कुछ है ये कॉर्ड्स में हम लोगों को जो है नॉर्मली ओपन कॉर्ड जी बिगिनर के हिसाब से हम लोग जानते, ई माइनर जानते, सी मेजर जानते, ए माइनर जानते, डी मेजर भी जानते। अब दोस्तों ध्यान से देखो मैं क्या बोलता हूं, याद रखो, ध्यान से देखो, ये जी मेजर ऊपर के दो स्ट्रिंग्स पे है, मतलब एकदम टॉप के। अच्छा, सी मेजर जो है बीच के दो स्ट्रिंग्स में है और डी मेजर जो है नीचे के, मतलब पहली और दूसरी तीसरी स्ट्रिंग पे, मतलब नॉर्मली दो 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 स्ट्रिंग के हम लोग तीन डिपार्टमेंट बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं। ओके, अब ये जो ऊपर का जी मेजर मैं पकड़ता हूं, ये बेसिक समझ लो, अगर ये जी मेजर मैं एक घर आगे लेता हूं और एक घर नट के आगे मैं अगर केपो लगाता हूं, ये जी शार्प मेजर बन जाता है। समझ गए? मतलब जी के आगे जी शार्प, इसके आगे ए, इसके आगे ए शार्प, इसके आगे बी, बी का कोई शार्प नहीं होता, आपको पता तो मैं बी और ई इन लोगों की कोई शार्प नहीं होते, ये एकदम सामान्य है ई और बी, याद रखना। अब ई माइनर आ गया, दूसरा और तीसरा, मतलब नीचे से ऊपर से दूसरा और तीसरा स्ट्रिंग। ए माइनर का भी मैं अगर एक घर आगे लेता हूं और यहां पे केपो लगाता हूं तो ये एफ माइनर होता है, ई एफ, क्योंकि ई के बाद ई शार्प नहीं रहता है, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर। ओके, सेम ए माइनर का अगर मैं लेता हूं, ए माइनर एक घर आगे आगे
पीछे केपो लगा दिया, समझो ऐसा ए माइनर जो है मैं आगे आ गया और पीछे केपो लगा दिया, ए शार्प माइनर मतलब बी फ्लैट माइनर, आगे आ गया बी माइनर, सी माइनर, बी का कोई शार्प नहीं होता ना, याद है ना आपको, सी शार्प माइनर, ये सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ये बेसिक समझ लिया आपने। अब केपो कहाँ कहाँ पे लगाना है ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी। इसके लिए हम लोग एक गाना लेते हैं, तू मेरे सामने, जो डर मूवी का गाना, ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है दोस्तों, क्योंकि ये इतना पसंद था मुझे गाना, और देखो ना सब बार कॉर्ड्स, सी माइनर पे गाना है ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, ये गाना जो है सी सीशा सी माइनर जो बार कॉर्ड, जी मेजर बार कॉर्ड, अच्छा ई फ्लैट बार कॉर्ड, उसके बाद बी फ्लैट मतलब ए शार्प बार कॉर्ड, सब बार कॉर्ड में गाना। और मैं इतना परेशान एकदम बिगिनर था जब, ये समझते समझते बहुत टाइम लगा, लेकिन आपको मैं टाइम जाने नहीं दूंगा, एकदम आसानी से समझाऊंगा, क्योंकि जब तक बार कॉर्ड आप सीखेंगे तब तक ये गाना नहीं गाना है, ये किसने बताया, गाना तो अभी क्या अभी गाना है आपको। तो हम लोगों को क्या करना है, सी माइनर, जी मेजर, ये जो ई फ्लैट मेजर, ई फ्लैट, ये कॉर्ड्स को कन्वर्ट करना है जो कॉर्ड्स मुझे पकड़ने आते हैं, मतलब जी मेजर ओपन कॉर्ड, ई माइनर, सी मेजर, ए माइनर, डी मेजर, ओके। अब आपको तो मैंने पहले बताया है सी मेजर, जैसा अगर यहां पे मैं केपो लगाऊंगा तो पकड़ने में मुझे ए माइनर ही हो जाएगा, देखो जहां पे मेरा बार बार कॉर्ड के लिए जो उंगली है वहां पे मैं केपो लगाता हूं, मतलब थर्ड फ्रेट पे, ओके, जहां पे बार था वहां पे केपो लगा दिया। अब मेरा कॉर्ड हो गया है ए माइनर स्टार्ट, जी मेजर, ये देखो ना जी मेजर, क्योंकि यहां पे बार लग गया ना, जी मेजर, अच्छा ई फ्लैट का हो गया सी मेजर, अच्छा सी मेजर का हो गया ए मेजर, क्योंकि ये ए मेजर है, ए मेजर के आगे ए शार्प, ए शार्प के आगे बी मेजर, बी मेजर के आगे ये सी मेजर आ गया ना, मतलब अब पकड़ना है मुझे ए मेजर की पोजीशन में ओपन कॉर्ड, ये ए, और एक कौन सी कॉर्ड एफ माइनर लगने वाली है, एफ माइनर की डी माइनर हो जाएगा, कैसा ये डी माइनर हम लोग पकड़ते, एक कॉर्ड आगे आएंगे डी शार्प माइनर, एक कॉर्ड आगे आएंगे ई माइनर, और एक कॉर्ड आगे आएंगे, एक प्रोग्रेशन आगे आएंगे तो डी माइनर, समझ गए। तो अब मुझे गाना जो है, मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं पार करूं। आ गया मेरा जी मेजर, ई माइनर, सी मेजर, ए माइनर और डी मेजर में पूरा गाना कन्वर्ट। तो आप 60-70% गाने जो है ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं नहीं करता 100%, लेकिन बिगिनर के लिए गाना नहीं गाना है और वो बार कॉर्ड आने तक रुकना है, ये किसने बताया। तो देखो बिना पेपर बिना पेन के आप समझ गए, आसान है। अब आपको मैं बताता हूं लास्ट ट्रिक, अगर आपके पास केपो नहीं है, है ही नहीं, क्योंकि अभी आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा, और एक आध दूसरे को तो 100% समझ में आ जाएगा, और इच्छा हो जाएगा आपका कि ये एक बार केपो के बाद में मैं सीखूं, देखूं क्या करना है, कैसे कर सकते। तो अगर आपके पास नहीं तो एक सेकंड में आपको ट्रिक बताता हूं क्या करना है दोस्तों। एक पेंसिल चाहिए आपको और एक रबर चाहिए आपको, ओके। अब मुझे थर्ड फ्रेट पे लगाना है ना, देखो मैं क्या करता हूं, देख रहे ना आप, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे थर्ड फ्रेट पे केपो लगाना है, देखो मैंने इसका सही तरीके से यूज करके लगा दिया दोस्तों केपो, समझ गए आप। अगर आपके पास केपो नहीं है तो एक रबर और एक पेंसिल चाहिए आपको, बस और कुछ भी नहीं, बन गया आपका। ये ट्रिक है दोस्तों, ये मैं पुराने टाइम में हम लोग यूज किया करते थे, जब भी आसपास कहीं केपो नहीं मिलता था, लेना है तो पुणे जाओ मुंबई जाओ ऐसा करना पड़ता, तो हम लोग ये तरीके से केपो यूज करते थे। तो दोस्तों आपको अभी इमीडिएट केपो की ट्रिक लगा के कुछ करके देखना है तो ये जरूर करना, अच्छा लगा तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जाते हैं सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।